चलो दोस्तों शुरू करते हैं। डोगा और झबरा। एक मिनट थोड़ा सा साउंड एडजस्ट होगा दोस्तों, फिर सही आवाज़ आएगी। चलो फिर शुरू करते हैं। डॉग स्क्वाड आवारा कुत्तों को पकड़ने का दल, जो प्रत्येक रोज की तरह आज भी अपने अभियान पर निकला हुआ था। वाह वाह क्या हूँ क्या हूँ, बहुत खबरें मिल रही थी इस इलाके में। तुम्हारे उत्पाद की कईयों को 14-14 इंजेक्शन लगवा चुके हो तुम, अब मरोगे तुम सब कुत्ते की मौत। वुफ वुफ पियाँ पियाँ गुर, तू कहाँ भागता, तेरी टांग इन्हें तोड़ दूँ। क्या हूँ, इन आवारा कुत्तों ने गली में से निकलना भी मुहाल कर रखा है। और अचानक सामने आ गया वो जबरीला कुत्ता गुर्र, झपट पड़ा वो औजार जबरीले की गर्दन दबोचने के लिए। आजकल पालतू कुत्ते भी लोग छुट्टे छोड़ देते हैं, और इसके पेट में इंजेक्शन कैसा घुसा हुआ है, और इस चोट से उगर उठा कुत्ता। वुफ गुर, साधारण कुत्तों को बेबस कर देने वाला वो औजार नियंत्रण न कर पाया जबरीले को। अरे वो पागल कुत्ता राम दिन पर झपट रहा है, बचाओ। वाह, नरसंहिता के साथ दोनों कर्मचारी जबरीले पर टूट पड़े। तड़ाक, यहीं मार डालो इसे गुर्र। वो उस गोदाम में घुस गया, वहाँ से बचकर कहाँ जाएगा, वस्त्रालय। कुत्ता प्रवेश कर गया उस गोदाम में, देखो यहीं कहीं होगा, ढूंढो और मार डालो उस पागल कुत्ते को। सबकी निगाह बचा कर कहाँ जा रहा था जबरा, इतनी समझदारी कहाँ से आ गई उस कुत्ते में। फिर चीते की तरह उछला जबरा, और दोनों के चेहरे पर खींच गई थी आंतक के साथ ही खून की लकीरें। कुछ ही पलों में यमराज के दरबार को कूच कर गए दोनों। हिच ई, और तब बेहद सावधानी के साथ उस पेटी में समा गया कुत्ता। फिर ढूंढे न मिला कुत्ता, साफ लगता है कुत्ता भाग गया है। ठीक है, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, मैं इस कुत्ते की तलाश के लिए उसका हुलिया कंट्रोल रूम को भेजता हूँ। गोदाम से बाहर निकला रेडीमेड वस्त्रों की पेटियों से लदा वो टेम्पो। डिपार्टमेंटल स्टोर में वस्त्रों की सप्लाई में आज देर हो चुकी है मोनिका। इस डिपार्टमेंटल स्टोर में मेरे घरेलू जरूरत की सारी वस्तुएं मिल जाती हैं। इधर उस पेटी में से सिर निकाल रहा था कुत्ता, और फिर जैसे ही वह टेम्पो से कूदा, उफ, ठिटक गई मोनिका। वो कितना प्यारा कुत्ता, मगर घबराहट में भागने के चक्कर में इसका पांव गटर की उस जाली में फंस गया है। उफ उफ, कुत्ते की नीली आंखें उसे अपनी ओर बढ़ता देख रही थी। कूं कूं, उफ क्या होने वाला था। कुत्ते के निकट आप मुची मोनिका, और उफ किसी शैतान बच्चे ने इसे इंजेक्शन लगाकर सीरीज को इसके पेट में छोड़ दिया है। मुझसे इस बेजुबान जानवर की तड़प देखी नहीं जा रही है, मैं इसके पेट से वह सीरीज भी निकाल दूँ। कूं कूं, तभी चीख पड़ी मोनिका, उफ चोर मेरा सामान। बहने गुर्राहट निकली कुत्ते के गले से, और चोर 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 की दिशा में लपक पड़ा कुत्ता। हैरान रह गई मोनिका यह दृश्य देखकर, ओ नो, और मोनिका के मुंह से निकला, थैंकू जबरा। हाँ जबरा, बिल्कुल ठीक नाम है यह तेरा, क्योंकि तू है ही बहुत जबरीला। वाह, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आज अनायास ही मुझे इतना प्यारा दोस्त मिल जाएगा। कूं कूं, चल जबरा, आज से तू मेरे साथ रहेगा। जबरा का उस लड़की से हासिल करने के लिए मुझे उसका पीछा करना होगा। कौन था वो रहस्यमय साथ जिसकी निगाहें मोनिका पर जमी हुई थी। पुलिस हेडक्वार्टर, सर तलाश जारी है, वार्ड 9 से समारा डिपार्टमेंटल एक कुत्ते को नहीं ढूंढ पा रहा। मुजरिम को क्या खाक ढूंढेगा। वार्ड 9 से इंस्पेक्टर चिता, एक केस के सिलसिले में आज रात के लिए शहर से क्या चला गया। पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामी की एक के बाद एक खबरें मिल रही हैं। वार्ड 9 से एक कुत्ता नहीं ढूंढा जा रहा। सर, हम उस कुत्ते को जल्दी खोज कर ख़त्म कर देंगे। उधर कुत्ता तो मौजूद था ही पुलिस वाले के घर पर। जबरा लो, मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया सुंदर पट्टा जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है। उसके गर्दन पर पहले से बंधा पट्टा उतार दिया उसने। इस पर किसी डॉक्टर जिन का पता लिखा, और छी छी तुम्हारा कितना गंदा नाम लिखा, प्रयोग 313। एक तरफ रख दिया मोनिका ने उसका पुराना पट्टा, और बहुत इठलाते हुए अपना पट्टा उसके गर्दन में डाल दिया। अब डायन जिन का प्रयोग तो हो लिया पूरा, तुम्हें तो मेरे पास ही रहना है। और उसी रात
आधी रात को कौन हो सकता, भैया भी घर पर नहीं है। खट खट, कान खड़े हो गए थे जबरा के भी। झुक, कौन है? जवाब में फोन दरवाज़ा खड़खड़ाया गया और चकित कर देने वाला वो दरसेओ नो भूख। गले से भयंकर गुर्राहटे गूंज रही थी उसके, लेकिन कोई दिखाई ना पड़ा बाहर। दरवाज़ा किसने खटखटाया, न जाने कौन था वो भूख, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने वाला वहाँ मौजूद था। अब मुझे तैयारी के साथ आना होगा, कुत्ता मुझ पर भी आक्रमण कर सकता है। गाड़ी सड़क पर दौड़ती नजर आने लगी और तब तो बुरी तरह ही घबरा गई मोनिका, जब दरवाज़ा एक बार फिर खड़खड़ा उठा। हे भगवान, न जाने कौन है। अनजाने भय से कांपती मोनिका अब दरवाजे की तरफ बढ़ ही नहीं सकती थी। दरवाजे की तरफ एक बार फिर बड़ा जबरा, इस बार एक खूंखार अंदाज में। दरवाज़ा खोलकर झपट पड़ा जबरा और गूंजी एक तेज़ आवाज़, आ मोनिका गुर। आवाज़ सुनकर चौंकी वह और उसके शरीर में भर गई बिजली सी। वह चीखती हुई बाहर को झपटी, रुक जा जबरा, ये मेरे भैया हैं इंस्पेक्टर। चीता उफ, सही वक्त पर एक भयंकर दुर्घटना होने से बच गई। हाँ भैया, आप एक रात के लिए बाहर चले गए, मेरी तो जान ही सूख गई थी, इसलिए तो जल्दी से जल्द काम निपटा के लौट आया। लेकिन तू यह कुत्ता कहाँ से ले आई, और मोनिका बताती चली गई जबराज के मिलने से लेकर रात वाली घटना तक की कहानी। सुनने के पश्चात इंस्पेक्टर चीता भी प्रभावित नजर आया उस कुत्ते से। वह कुत्ता है भी बड़ा प्यारा, पर अब तो जल्दी से मेरे लिए कुछ नाश्ते वास्ते का इंतजाम कर, क्योंकि मुझे फौरन ड्यूटी पर जाना है। ओके भैया, चल आ जबरा। थाने पूछने पर वह समाचार सुनकर उछल पड़ा इंस्पेक्टर चीता। उसके चेहरे पर आंतक की लकीरें स्पष्ट दृष्टि गोचर होने लगी। क्या उस कुत्ते का हुलिया क्या है? फिर इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने कुत्ते का जो हुलिया उसे बयान किया, उसे सुनकर भक से उड़ गई उसकी खोपड़ी। ओ माई गॉड, मैं अभी लौटता हूँ श्रीवास्तव। आंधी तूफान के समान वापस पहुँचा चीता। दरवाजे पर ताला लगाया, कुत्ते को मोनिका ले गई होगी या वह अंदर होगा। ताले की एक चाबी उसके पास भी रहती थी। भीतर मोनिका और कुत्ता कोई ना मिला उसे, और अचानक कुछ देखकर चूंक सा पड़ा। वो खून, ये खून के दाग किसके खून के हैं? उसके हृदय में उथल पुथल सी मचने लगी। कई अनजान शंकाओं ने थर्रा दिया उसे। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। पागलों की तरफ से ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकलता चला गया चीता। पर काश वह खून से नहाई उस बिल्ली को भी देख लेता, जो निश्चित रूप से जबरा द्वारा ही मारी गई थी। गुर भो सा बस, जम जब मोती गुर भो। अदरक चाचा का हुनार सीख से सूरज, गुर हो मैं जल जाऊंगा। सूरज जिसे जब भी समय मिलता था वो कुत्तों से खेलने के बहाने उन्हें इस तरह के प्रशिक्षण देने की चेष्टा करता था। गुर शेरा तुम जम करो, गुर भो भो वो नहीं गुर। कुत्ते भी समझते थे उसकी भाषा। और अचानक उस चाकू के घेरे से कूद गया वो। अरे, उसे देखकर चौंक गया सूरज भी। न सिर्फ चाकू का ही घेरा बल्कि जंप हो, आश्चर्य से उसे देख रहा था सूरज। वाह, ये तो कमाल का कुत्ता है, जबरा है ना कमाल का सूरज। भो वुफ, उधर उधर खनकती हुई आवाज़ को सुनकर पलटा सूरज। मोनिका तुम, कमाल का है ये तो। हाँ, अपनी कई सहेलियों को दिखाने के बाद मैंने सोचा कि चलकर तुम्हें भी दिखा दूँ जबरा। कैसा है जबरा? कमाल का है ये तो। एक और आश्चर्य से गुजरी सूरज की आंखें। यह क्या, जबरे को देखकर शेष सभी कुत्ते भयभीत क्यों हो रहे हैं? मोनिका, यह कुत्ता तुम्हें कहाँ से मिला? यह कुत्ता मुझे कहीं भी मिला हो, पर इसको दिखाने लाने के बहाने मैं एक बार तुमसे तो मिल सकी। तुम्हें तो भूल कर भी मेरी याद नहीं आती। अच्छा सूरज, मैं चलती हूँ। ओके बाय मोनिका। रुकने को भी न कहोगे सूरज? सूरज को न रोका मोनिका को और सूरज ने न रोका मोनिका को और वह चली गई। और जब इंस्पेक्टर चीता ने जिम में प्रवेश किया, सूरज सूरज, इंस्पेक्टर चीता तुम, हवाइयाँ उड़ रही थी उसके चेहरे पर। अदरक चाचा, मोनिका कहाँ है? मुझे उसकी एक सहेली से पता चला कि वो जिम की तरफ आई है। लेकिन इंस्पेक्टर चीता, तुम तो ऐसे घबराए हुए हो जैसे तुम्हें मोनिका के किसी शेर की मांद में घुसने की खबर मिल गई हो। गंभीर था इंस्पेक्टर चीता का स्वर। मजाक मत करो सूरज, मुझे बताओ कि क्या मोनिका यहाँ आई थी? जवाब अदरक चाचा ने दिया। इंस्पेक्टर चीता, मोनिका यहाँ आई थी, पर वो तो जा भी चुकी है, और उसके साथ उसका बॉडीगार्ड भी था जबरा। ओह, लेकिन बात क्या, तुम इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? वो कुत्ता खौफनाक हत्यारा अदरक चाचा, जिस पर न जाने कब शैतान सवार हो जाए। क्या, चीता के जाने के बाद वो जो समस्या को केवल हल नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर निकलता है, जुर्म की गलियों में डोगा डोगा डोगा।
और आज उसे तलाश थी एक अनोखे हत्यारे जबरा की, जिसके साथ जुड़ी थी एक मासूम जिंदगी। उसके कुत्ता फौज का एक सिपाही उसे आता दिखाई दिया। गुर डोगा मोनिका का अभी घर नहीं डोगा भो डोगा मोनिका अभी घर नहीं पूछी है गुर। वो गुर वो जानकारी के लिए शुक्रिया दोस्त। और मोनिका इधर थी। चल जबरा तेरे लिए गोश्त और बिस्कुट मैंने खरीद लिए हैं, अब हमें घर चलना चाहिए। गली में मुड़ते एक नन्ना साइकिल सवार आ टकराया मोनिका से। अरे बच के ओफ मोनिका गिरी सारी दे दी। कोई बात नहीं भैया तुम्हें लगी तो नहीं यार उफ वो मोनिका का हमलावर झपट पड़ा जबरा। सन से भी पहले लड़के की कलाई जबड़े के जबड़ों में फंसी थी। आ दीदी जबरा नहीं हट जा जबरा। उसने कलाई ना छोड़ी तभी उस मासूम लड़की ने डंडा घुमाकर जबरा के सिर पर दे मारा। तड़ाक जबरा ने तत्काल कलाई छोड़ पलट कर लड़की पर छलांग लगा दिया। चीखती रह गई मोनिका, नहीं जबरा छोड़ दे इसे, मासूम है ये, इसको माफ़ कर चुकी मैं। पल भर में जालिम ने नन्ही सी जान को फाड़ डाला। वो उफ दहशत से चीख उठी मोनिका, नहीं। जबरा पलटा अपने दूसरे शिकार को झपटने के लिए। मेरी रेसिंग साइकिल का मुकाबला नहीं कर पाएगा यह। वो उफ द्रुत गति से पैडल मारता चला गया लड़का। आश्चर्यजनक गति से दौड़ा जबरा। वो साधारण कुत्तों की गति से कहीं तेज। वो शीघ्र ही साइकिल के पास पहुंच गया है। वो जिस लड़के को मौत साथ साथ दौड़ते दिखाई देने लगी। फिर लपक कर साइकिल के पिछले टायर पर दांत गड़ा दिया जबरा ने। साइकिल गिरी झटका खाकर उछला लड़का, बचाओ मेरी माँ, और उस पेड़ के तने पर लटक गया। इधर पेड़ की तरफ झपटा जबरा। हम बोबो बिना झिझके पेड़ पर चढ़ता चला गया वह। फिर वहाँ गूंज उठे उस मासूम लड़के की चीखें भी, गर नहीं। एक कुत्ते को पेड़ पर चढ़ता देख भयंकर हैरानी से खड़ी रह गई मोनिका। जबरा मौत की दहशत बनकर उसके दिलो दिमाग पर सवार हो गया। पलट कर भाग उठी मोनिका। उफ हत्यारा है या तो बेरहम हत्यारा। और अपनी संपूर्ण ताकत के साथ भागती हुई मोनिका को सहसा ही थाम लिया उन बलशाली हाथों ने। मोनिका वो आ रहा, जबरा मार डालेगा मुझे भी, पागल पर सवार था उस पर। मोनिका होश में, जबरा मेरे हाथों से नहीं बचेगा। आगे बढ़ते डोगा की कठोर निगाहों को जबरा कहीं दिखाई नहीं पड़ा। डोगा की उंगली कसी हुई थी उसके गन के ट्रिगर पर। किसी भी पल दबने की प्रतीक्षा में कहाँ था जबरा, कहीं घात लगाए तो नहीं बैठा था शैतान, कहीं घात लगाए तो नहीं बैठा था शैतान। इसी पल उसकी आँख उसके खौफनाक आँखों में चौंकने वाले भाव प्रकट हुए। उसे दिखाई दिया आतंकित दो कुत्ते। इनकी आँखों में मैं ठीक वैसा ही आतंक देख रहा हूँ जैसा कि जबरा को देखकर जिम मैन ने कुत्तों की आँखों में छाया हुआ था। अंधेरे का सीना चीर कर बढ़ी चली जा रही थी वो कार जिसमें सवार था वो रहस्यमय साया। हाँ हाँ आखिर ड्राट द्वारा बेहोश करके मैंने जबरा पर कब्जा कर ही लिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो जबरा द्वारा की गई हत्याओं की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर होती और जबरा के गले में पड़ा पट्टा मेरे गले में फांसी का फंदा बनकर लिपट जाता, क्योंकि मेरे पालतू कुत्ते जबरा के पट्टे पर मेरा नाम और मेरा पूरा पता साफ खुदा हुआ है। जबरा को पाकर खुश होते उस साय की निगाह अभी जबरा के गले में पड़े मोनिका के पट्टे पर नहीं पड़ी थी। उधर पुलिस स्टेशन में उपस्थित इंस्पेक्टर चीता फोन पर उस आवाज़ को सुनकर बुरी तरह से उछल पड़ा। भैया वो कुत्ता जबरा, उसने दो मासूम बच्चों को मेरी आंखों के सामने झंझोड़ कर मार डाला। मोनिका तू कहाँ से बोल रही है, तू ढूंढने के लिए मैं कब से मारा मारा फिर रहा हूँ। अगर ऐन वक्त पर डोगा यहाँ न पहुँच जाता तो शायद जबरा मुझे भी। भैया आपको अभी एक ज़रूरी बात बतानी है। और उधर से डॉक्टर जीन और जबरा के गले वाले पट्टे के विषय में मोनिका उसे सब बताती चली गई। फिर तू चिंता मत कर मेरी बहन, इन सारी हत्याओं का जिम्मेदार डॉक्टर जीन ही है, मैं उसे अब छोड़ूंगा नहीं। तू पट्टे पर लिखा वो पता मुझे बता। और तब अपनी प्रयोगशाला में कार्यरत वह शख्स उछल पड़ा उस स्वर को सुनकर। डॉक्टर जीन, मोनिका द्वारा बताया एक एक शब्द अपने जहन में सुरक्षित करता चला गया चीता। मुझे इंस्पेक्टर चीता कहते हैं डॉक्टर जीन, और तुम इतने मूर्ख तो नहीं दिखते कि मेरी मौजूदगी तुम्हें कुछ समझा नहीं रही हो। डॉक्टर जीन जबरा की आवश्यकता इस समय तुमसे अधिक और किसी को नहीं हो सकती, क्योंकि उस हत्यारे कुत्ते के गले में बंधा पट्टा तुम्हें फंसवा सकता था। वो तो तुम प्रयोग 313 के पट्टे के बूते पर यहाँ पूछे हो, जो कई प्राणियों के जींस द्वारा तैयार इंजेक्शन के लगाने से अनियंत्रित होकर जंजीर तोड़ाकर भाग निकला था।
मैं यह सब नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूँ कि जबरा द्वारा की गई सभी हत्याओं के जिम्मेदार तुम हो डॉक्टर जिन, और मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। हथकड़ी निकाल ली डॉक्टर जिन ने। डॉक्टर जिन ने जैसे हथियार डाल दिए। इंस्पेक्टर चीता, मुझे अपनी गिरफ्तारी का जरा भी अफसोस नहीं। लो लगाओ हथकड़ी, वो तो मैं लगाऊंगा ही। और तभी बाज की तरह झपट पड़ा डॉक्टर जिन। उफ धुम, लाख सावधानी के बावजूद भी मात खा गया चीता। इंस्पेक्टर चीता के संभलने के पूर्व ही डॉक्टर जिन ने मेज़ पर से वह इंजेक्शन उठाया और हाँ हाँ इंस्पेक्टर चीता, इस इंजेक्शन में वही जींस भरे हैं जो मैंने जबरा की नस में प्रवाहित किए हैं, और अब यही इंजेक्शन मैं तुझे लगा दूंगा। गजब की फुर्ती के साथ इंस्पेक्टर चीता ने उसकी कलाई थाम ली। तेरी ये मनसा मेरे जीते जी तो पूरी न होगी डॉक्टर जिन। हम शारीरिक रूप से मजबूत था डॉक्टर जिन, किंतु कम नहीं था इंस्पेक्टर चीता भी खन्नाक। और अचानक ही वो हो गया जिसकी दोनों में से किसी एक ने भी कल्पना नहीं की थी। आ बहसियत सी टपकने लगी डॉक्टर जिन के चेहरे पर। इंस्पेक्टर चीता ने देखा वो अद्भुत और छक्के छुड़ा देने वाला दृश्य। या दरवाज़ा जिन के डॉक्टर जिन के उस गुस्से की ताकत का अनुमान दरवाज़ा टूटने से लगाया इंस्पेक्टर चीता ने। उफ, इसमें तो असीमित ताकत आ गई है गुर। और तभी वहाँ गूंज उठी मोनिका की आवाज़। रुक जाओ डॉक्टर जिन, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका दरिंदे। मोनिका, इंस्पेक्टर चीता का रिवॉल्वर मोनिका के हाथ में था। मोनिका को देखकर पिंजरे में कैद झबरा बुरी तरह से कसमसाया। कूं गुर। इधर एक झटके के साथ डॉक्टर जिन ने उस अलमारी को मोनिका की ओर धकेल दिया। बचो मोनिका। बम, तड़पता उठा जबरा, सलाखों को काटने की अद्भुत चेष्टा कर रहा था वो। उधर डॉक्टर जिन ने दबोच ली इंस्पेक्टर चीता की टांग। भैया गुर, बेबस हो गया चीता। छोड़ दे हत्यारे, छोड़ दे मेरे भैया को। रंग बिरंगे सितारे नाच गए इंस्पेक्टर चीता की आंखों के समक्ष और झपट कर दबोच ली दरिंदे ने मोनिका की गर्दन। आ गुर। इधर अपने असफल सी चेष्टा में कामयाब हो गया जबरा। गुर, भयानक गुर्राहट गले से निकालता हुआ वो टूट पड़ा डॉक्टर जिन पर। गुर भो भो। आ बुरी तरह से गुत गए दोनों दरिंदे। भो गुर गुर। बेसुध पड़े चीता को झंझोड़ रही थी मोनिका। भैया भैया उठो भैया, क्या हूँ। अगले ही पल जबरा का बेजान जिसम उसके निकट आकर गिरा, जिसे देखकर वो चीख मोनिका से के मुंह से नहीं बल्कि हृदय से निकली थी। जबरा, धाड़। कुत्ते की तरह लाट टपकाता हुआ मोनिका की ओर बढ़ा डॉक्टर जिन। नहीं भैया नहीं, भैया उठो भैया। और तभी गर्र, और डोगा सामने था। डोगा, कुदरत ने इंसान को तीन शक्तियाँ जानवरों से विकसित की हैं डॉक्टर जिन, और वो तीन शक्तियाँ दिमाग, जुबान और हाथ। हम लेकिन दिमाग अब ज़्यादा चलने लगता है। लेकिन दिमाग जब ज़्यादा चलने लगता है, जुबान जब ज़्यादा कहने लगती है, हम और हाथ जब ज़्यादा चलने लगते हैं, तो इंसान तू जैसा जानवर बन जाता है डॉक्टर जिन, और तब डोगा बन जाता है उस जानवर की मौत। गुर, राक्षस सा नजर आने लगा डॉक्टर जिन। बाज की तरह झपट कर इस बार डोगा की गन की नाल थाम ली उसने, और पहली बार एहसास हुआ डोगा को उसकी शक्ति का। उफ, चीते किसी फुर्ती के साथ गन फेंक कर वह सोफा उठा मारा जिन ने डोगा पर। सोफे के नीचे पीछे धकेल उठ खड़ा होने लगा सोफे को पीछे धकेल उठ खड़ा होने लगा डोगा। वो गुर, तो डॉक्टर जिन उससे बलशाली अजगर के समान आ लिपटा। हाँ नहीं, ये तो अजगर के समान मुझसे लिपट गया और अपनी असीमित ताकत से मेरी पसलियाँ तोड़ने की चेष्टा कर रहा है। मोनिका के उस जबरदस्त वार से खच डॉक्टर जिन की पकड़ कुछ ढीली हुई, और डोगा ने इसी पल उसे अपनी ठोकर पर रखकर ऊपर उछाल दिया। धन्यवाद मोनिका, और एक क्षण का अवसर देना भी कितना खतरनाक हो सकता है बड़ा। यह बात डोगा अब अच्छी तरह से समझ चुका था। टूट गई विभाजन की वो वुडन वाल भी। डोगा की भी आंखें फट पड़ी डॉक्टर का वो प्रदर्शन देखकर। हाथियों का सा बल है इसमें। उफ गुर, अपने और गिरते पिलर को अपनी मजबूत बुझाव पर रोक लिया डोगा ने। उफ, लायन जी मेदरक चाचा द्वारा सिखाई गई एक एक कसरत ने उसकी मांसपेशियों को दी थी वो मजबूती। तड़ाक खनाक। इधर डोगा पिलर को धकेल कर सांस भी न ले पाया था कि तड़ाक, इस बार जंजीर को थाम लिया डोगा ने। खनाक, जबड़े मजबूती के साथ भिज गए थे डोगा के। डोगा ने जंजीर को वापस डॉक्टर जिन के ही गले में लपेट दिया। तू जैसे शैतान का जीवित रहना न सिर्फ इंसानों के लिए ही बल्कि बेजुमान जानवरों के लिए भी घातक है डॉक्टर जिन।
डॉक्टर जिन के शरीर में सचमुच जैसे किसी हाथी का ही बल भरा था। हाँ, डॉक्टर जिन ने छक्के छुड़ा दिए थे डोगा के भी। इधर डोगा की आंखों में दिखाई पड़ती दरिंदगी एकाएक ही बढ़ गई। डॉक्टर जिन, तेरा अंत मेरे हाथों होगा। आगे बढ़ते डॉक्टर जिन पर उछाल फेंकी उसने वो पेट्रोल टंकी। डॉक्टर जिन के निकट थी टंकी और ठीक उसी पल बला की सिपुर्ती के साथ डोगा के हाथ में नजर आया रिवॉल्वर। डॉक्टर जिन से इसी पल टकराई टंकी और इसी पल ही आ टकराई डोगा की चलाई गोली भी उस टंकी से। बड़ाम आ चीख गूंज उठी डॉक्टर जिन की। जबड़े शक्ति के साथ पीछे डोगा सुन रहा था उन चीखों को। जो कि मध्यम प्रति प्रति फिर शांत होने लगी। उधर होश में आ गया चीता भी। मोनिका तू ठीक तो है ना भैया, मेरे प्राण उस दरिंदे के हाथों बचाते बचाते जबरा तो अपनी जान पर खेल गया पर डोगा वह। मोनिका तू ठीक तो है ना डोगा? ओ चीता फुर्ती के साथ उठ खड़ा हुआ। और फिर जबरा, मैं तुम्हें गलती समझ बैठी जबकि तुमने अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई। खूनी तुमने जबरा, खूनी तो डॉक्टर जिन था जिसे अपने प्रयोग के प्रशिक्षण के लिए चुनकर तुम्हें शैतान हत्यारा बनने पर विवश कर दिया। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम आज भी मानवता के सच्चे दोस्त हो, वफादार हो। लेकिन डोगा उन्हें वहाँ न मिला। मिली डॉक्टर जिन की राख होती लाश और डॉक्टर जिन कांत करके यहाँ से जा चुका है। समाप्त दोस्तों, अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करना।